हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। जैसे आपको सबको पता है कि शाहीन जो है स्टूडेंट्स का हर फील्ड में हेल्प करता बच्चों को, बिकॉज नाउएडेज सीटी का फॉर्म आप लोगों का आउट हो गया हुआ है और आपको उसको सीटी का फॉर्म भरना है। सो शाहीन आपको सीटी के फॉर्म भरने के लिए हेल्प करेगा राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फॉर्म किस तरह से भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या इसमें फील्ड चाहिए और मिस्टेक करे बिना उसको भरना है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं उसको कि बिगिनिंग में फॉर्म्स तो ऐसे ही हरी भरी में डाल देते विथआउट रीडिंग ऑल द थिंग्स, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको देखे बिना। बट एंड में वो फॉर्म डालने के बाद वो एग्ज़ाम्स के टाइम पे हॉल टिकट के लिए परेशान होते या अदरवाइज काउंसलिंग के टाइम पर परेशान होते कि हम लोग ये मिस्टेक कर दिए, ये मिस्टेक कर दिया, ऐसे हो गया। ये भी चांसेस है कि वो फॉर्म जो है ना रिजेक्ट होने के चांसेस भी बहुत बार रहते हैं ऐसा। ओके, सो हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे कि फॉर्म कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, देखिए जिसका वेबसाइट जो है kea.kar.nic.in पे जाना है, जाके जस्ट इंटर करेंगे तो आपको ये होम पेज आ जाएगा। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे जो दिख रहा है ये कन्नडा एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, सो आई टुक इंग्लिश, मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देन आपका जो यहाँ पे टॉप का लाइन दिख रहा होम एडमिशंस प्रीवियस ईयर एडमिशंस, सो एडमिशन में क्लिक करना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे सीईटी 2021 दिखेगा। ओके, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे। नाउ बिफोर फिलिंग द फॉर्म, फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस है उसको क्लियरली देख लीजिए। आपको जो एडवाइस है मेरा कि जो उसको फर्स्ट देखना है शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, अप्लीकेशन फ़ी, आपका अप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, इसको क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे और एक जो है ना पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा, अप्लीकेशन फ़ी कितना है, दे आर गिवन विथ इन कर्नाटका, आउटसाइड कर्नाटका, आउटसाइड इंडिया। विथ इन कर्नाटका जो रहेगा उसके लिए अगेन जीएम 2A, 2B, 3A, 3B, SC, ST, कैटेगरी 1, इन लोगों के लिए फ़ीस अलग से है। एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका, गर्ल्स के लिए 250 रुपीज़ है, आउटसाइड कर्नाटका जीएम कैटेगरी 750 रुपीज़ एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया जीएम कैटेगरी 5000 रुपीज़। ओके, इसको माइंड में रखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए उसको। देन नेक्स्ट आएगा अप्लीकेशन फ़ी, इसको हम लोग देख लिए अभी, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन आएगा। ओके, इसको जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू यूज़र लॉग इन, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे तो ये न्यू यूज़र को यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, बिफोर दैट आई सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे सैम्पल अप्लीकेशन है उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा फॉर्म जो है ना डाउनलोड होगा, ये फॉर्म डाउनलोड होगा। ओके, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है इट इज़ ए ड्राफ्ट प्रिंट आउट टू चेक द डिटेल्स, टेक द फाइनल प्रिंट आउट आफ्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट। सिर्फ ये ड्राफ्ट कॉपी है, इसको लेंगे, लेके एक बार आप लोग अपने घर पे बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स, टेंथ के डॉक्यूमेंट्स, SSLC के डॉक्यूमेंट्स, HSC के डॉक्यूमेंट्स, जो भी है आपका SSC के डॉक्यूमेंट्स, SSLC के डॉक्यूमेंट्स, इनको देखते हुए ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको पेंसिल से वन टाइम फिल करना है कंप्लीट। ओके, और ये हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें हम लोग को भरना है और कौन सी अपने आप आएंगे। सो ये कंप्लीट फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करके देन आप लोग जब भी फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो इसको साथ में रख के फिल करना है। ओके, फर्स्ट थिंग ये न्यू यूज़र्स, अब यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में यू विल गेट दिस स्क्रीन, ये स्क्रीन आपको मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन एंड न्यू यूज़र है, जब क्योंकि ऑब्वियसली आप न्यू यूज़र हैं तो ये न्यू यूज़र को क्लिक करेंगे वंस। ओके, देन आपको ये वाला स्क्रीन आएगा UGCET कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 99% लोग इंडियंस ही रहेंगे तो इंडियंस है क्लिक करेंगे, अगर कोई NRI है तो ये NRI क्लिक करेंगे। ओके, इंडियन को क्लिक करें यहाँ पे, देन नेक्स्ट एक ऑप्शन आएगा आर ये स्टूडेंट ऑफ कर्नाटक का सेकेंड PU और CBSE CSCE 12th स्टैंडर्ड 2021। ओके, यहाँ पे येस नो है, अगर कोई इस बार का स्टूडेंट है 12th का तो येस आएगा। ओके, जब येस करेंगे देन यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट नंबर पूछा जाएगा जो आपके 11th के मार्क्स कार्ड पे अवेलेबल रहेगा, 11th के मार्क्स कार्ड पे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर डायल करूँगा अभी, आफ्टर फीडिंग द नंबर सबमिट करिए यहाँ पे, जैसे सबमिट करेंगे आपके डिटेल्स बोर्ड से ये फेच कर लेगा वेबसाइट। ओके, सर्वर जो है ना फेच कर लेगा, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमको नाम दिख रहा है यहाँ पे,
कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है. ओके, टेक योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड मिनिमम दिस स्पेशली. नाउ दिस फील्ड्स बहुत ही केयरफुली से आपको ये फिल करना है. फर्स्ट आपका जो मोबाइल नंबर लेंगे, नॉर्मली आजकल ऐसा होता है कि 3 महीने के लिए नंबर रखा, नंबर चेंज हो गया, ऐसे नहीं करना है. जो परमानेंट नंबर है वो नंबर को आप यूज़ करिए, बिकॉज जब आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे ये क्लियरली मेंशन कर रहा, इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम KEA व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, KEA शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सेंड बाई KEA ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. ओके, तो ये नंबर आपको प्रॉपरली फिल करना है. बहुत स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते, कोई नंबर्स डाल दिए, नंबर्स भूल गए, नंबर्स याद नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती है, या कुछ नंबर्स कुछ दिन के बाद नंबर जो है ना डेड हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो उसका थोड़ा सा आप लोग केयर करिए. नेक्स्ट, ईमेल आईडी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए, फ़ोन नंबर देन ईमेल आईडी, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो ईमेल आईडी भी आप लोग अपना जो है ना, अगर नहीं है तो क्रिएट यूर ईमेल आईडी, उसको अपने नोटबुक में, डायरी में, जहाँ पे भी आपका सेफ रहेगा उस पे आप नोट करिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. सो पासवर्ड यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स विथ अल्फा न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए. सो एडवाइस करेंगे कि आपको ऐसे नंबर्स, ऐसा पासवर्ड रखिए जिसमें अल्फ़ाबेट्स रहेंगे विथ कैपिटल लेटर देन स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हैशटैग हो गया, एट द रेट, ओके, कैरेट सिंबल, एंड सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर देन नंबर्स. सेम थिंग रीटाइप हियर देन सेलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन. जैसे आप जो नंबर्स, आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप इस पर नोट करेंगे, सेम स्टाइल में ये जो क्वेश्चन है आपका सीक्रेट क्वेश्चन, इसको भी आपको नोट करना है. बिकॉज अगर आप बाय चांस आपका जो है ना पासवर्ड अगर मिस हो गया, सो यहाँ से आप लोग अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं. ओके, कुछ क्वेश्चंस है, फिक्स क्वेश्चंस है यहाँ पे, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ योर व्हीकल नंबर, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्वेश्चन लीजिए. ओके, देन आंसर इट, आंसर करिए इसको. देन आपको यहाँ पे जो कैप्चर गिवन है उसको एंटर करना है. आफ्टर देन इसको रजिस्टर करना है. ओके, वंस इसको रजिस्टर करेंगे आप, तो आपका जो है ना लॉगिन में आप लोगों को आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आएगा. तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये लॉगिन के पेज पे है. तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर विद पासवर्ड, देन इंटर दिस कैप्चा, जो कैप्चा गिवन है उसको इंटर करेंगे यहाँ पे. ओके, सो वंस आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड इंटर कर देंगे, सो यू विल गेट दिस पेज. ये पेज ऑलरेडी प्रीफिल्ड है. सो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको मिलेगा यहाँ पे जनरल जनरल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, रिजर्वेशन, स्टडी डिटेल्स, फोटो, डिक्लेरेशन, पेमेंट, देन एट द एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म. जनरल डिटेल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये कम्प्लीटली फॉर्म आएगा. ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे इसको कुछ डील ऑलरेडी फिल करे हुए हैं. सो वंस यू फिल्ड एंड सेव, अगर एक बार फिल और सेव हो गया तो इसको आप लोग और एक बार एडिट नहीं कर सकते. जब ये चांस देगा एडिट करने के लिए तब आ जाएगा. लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आप फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी कर दिए थे, इसको इंटर. देन योर जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी. ओके, ये आप लोगों का नेम, फादर नेम, मदर नेम, आप लोगों का 10th का जो मार्क्स कार्ड है फर्स्ट ईयर में जो इंटर हुआ था यहाँ से, वहाँ से ये सर्वर फेच करेगा. ओके, देन इंटर करेक्ट पोस्टल एड्रेस, ये पोस्टल एड्रेस आप करेक्ट से आपको देख के इंटर करना है. देन स्टेट, स्टेट जो है आपका कर्नाटक का, ऑब्वियसली कर्नाटक रहेगा. सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, कहाँ के हैं डिस्ट्रिक्ट आपका, डिस्ट्रिक्ट लीजिए. सेलेक्ट तालुका, तालुका लेना है आपको. इंटर पिन कोड, पिन कोड कंपलसरी है, पिन कोड लिखेंगे यहाँ पे. हैव यू अपेयर्ड फॉर CET, नीट, नाटा एग्ज़ाम बिफोर 2021, अगर इससे पहले आप CET, नीट लिखे हुए, अगर रिपीटर्स हैं तो यस करेंगे, अगर फ्रेशर्स हैं तो नो करेंगे. ओके, हैव यू अपेयर्ड फॉर CET बोल रहा, अगर अपीयर है करे हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो. रिपीटर्स हैं तो नो, यस करेंगे, अदरवाइज फ्रेशर्स के लिए नो रहेगा. इंटर CET एडमिशन हॉल टिकट नंबर, जो लास्ट ईयर का है उसको इंटर करना है. ओके, इंटर द ईयर ऑफ अपीयरेंस, ऑब्वियसली लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर रहेगा, वो क्लिक करेंगे यहाँ पे. हैव यू ऑब्टेंड एनी सीट इन CET, नीट, नाटा एंड टेकन एडमिशन टू द कॉलेज, यस नो. अगर आप ऑलरेडी यस हैं, कहीं पे सीट लिए हुए हैं ऑलरेडी CET में, नीट में, बट किसी वजह से उसको जो है ना आप ज्वाइन नहीं कर सके,
सो तो दिस ईयर आपको वो सीट नहीं मिलेगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लास्ट ईयर इंजीनियरिंग का सीट मिला, आपको इंजीनियरिंग का एडमिशन लिए आप और वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सके, तो यहाँ पे ये यस करेंगे सीईटी का हमको सीट मिला था, बट दिस ईयर यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट इंजीनियरिंग सीट. इंजीनियरिंग सीट आप लोगों को नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट, वो इंजीनियरिंग सीट आपका कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा इस बार का. ओके, तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देना है, येस या नो, इसमें कोई जो है ना कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि लिखे थे नहीं पता चलेगा. ऑफ कोर्स आपके सीटी नंबर से, आपका अपीयरेंस से, वो सब पता चल जाएगा वहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें सेव करके नेक्स्ट पेज आना है. तो नेक्स्ट पेज आएंगे आप तो एकेडमिक डिटेल्स आएगा आपका, कोटा अंडर विच यू आर अप्लाइंग फॉर, कर्नाटका, नॉन कर्नाटका, NRI. ओके, तो ऑब्वियसली कोटा कर्नाटक के लिए अप्लाई करेंगे आप लोग तो 85% कर्नाटक का कोटा रहेगा, तो कर्नाटक को क्लिक करना है. देन एलिजिबिलिटी क्लॉजेस कोड, सो वी हैव एलिजिबिलिटी क्लॉजेस कोड यहाँ पे हमारे पास. नाउ दिस इज एलिजिबिलिटी क्लॉजेस कोड, A2 वी हैव MNO, O तक अलग अलग यहाँ पे क्लॉजेस हैं. ओके, बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज रीड केयरफुली, यहाँ पे ये कौन से कैंडिडेट्स क्लॉज ए है कोड, तो कौन लोग एलिजिबल हैं, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन. अगर इसमें से आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपका रिजर्वेशन जो है ना अगेंस्ट दैट डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो जाएगा. सो इसको देखना है और ये फॉर्म को अच्छे से क्लिक करना है इसको, देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है बिफोर यूर काउंसलिंग. ओके, सो क्लॉज, नाउ क्लिक हियर टू नो यूर क्लॉज कोड. यहाँ पे अभी और भी आएगा, सेम थिंग विथ होम पेज पे भी अवेलेबल है ये. हैव यू स्टडीड SSLC और 10th स्टैंडर्ड इन कर्नाटक, येस नो, अगर कर्नाटक में पढ़े हुए हैं 10th, येस, अदरवाइज नो. ओके, डिड यू राइट और अपियरिंग और अटेंडिंग बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th इन कर्नाटका, येस नो. ऑफकोर्स जो कर्नाटक में एग्जाम लिख रहा है वो येस आएगा, जो नहीं लिखेगा उसके लिए नो आएगा. सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टडी इन कर्नाटका फ्रॉम 1st to 12th स्टैंडर्ड, जो कर्नाटक में पूरा पढ़ा हुआ है उसके लिए 12 ईयर्स आएगा, जितने साल आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं उतना यहाँ पे नंबर डालना है. ओके, सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जाम बोर्ड, यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग बोर्ड आएगा, CBSE है, अदर स्टेट्स है, कर्नाटका है. इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर PUC तो ये कर्नाटका सेकेंड ईयर बोर्ड आएगा. ओके, सेलेक्ट कॉलेज कैटेगरी, ये कॉलेज कैटेगरी में यहाँ पे अनएडेड, एडेड, प्राइवेट आएगा. ओके, सो जो शाहीन के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अनएडेड होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं वो एडेड वाला होगा, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो प्राइवेट होगा. नाउ बिफोर फिलिंग दिस वन प्लीज कंसल्ट यूर कॉलेज, कॉलेज से पूछिए आप कि अनएडेड हैं या एडेड हैं या प्राइवेट है. जो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एडेड हैं तो एडेड आएगा. सो आपके HM से, प्रिंसिपल से, आपके क्लर्क से कंसल्ट करिए, देन इसको आप फिलअप करिए. ओके, स्टेट वेदर अपियरिंग और अपियर्ड फॉर 2nd PU, 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम, स्टेट वेयर, कहाँ पे आप लोग जो है ना अपियर्ड फॉर 12th एग्जाम, कर्नाटका, नॉन कर्नाटका, ये स्टेट आएगा. सो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2nd PUC 12th इक्विवेलेंट एग्जाम इफ स्टडीड इन कर्नाटका, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आना है. ओके, सो नेक्स्ट वन, आर यू अपियरिंग फॉर कर्नाटका 2nd ईयर एनुअल एग्जाम्स, इस बार तो अपियर करने के लिए यहाँ पे अपियर करना था बट एग्जाम नहीं है, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे येस आना है, रिपीटर्स हैं तो नो आना है. ओके, इफ इट इज येस या नो, एनरोलमेंट नंबर, जो बिगिनिंग में आप नंबर लिखे थे जहाँ पे एनरोल करने के लिए, लाइक इफ इट इज 2020, ओके, 2020 में एडमिशन लिए आप या 21 में एडमिशन लिए हुए हैं, तो नंबर आएगा आपका 2021, कॉलेज कोड, देन एक 4-डिजिट नंबर आएगा, वो नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है. देन इंटर ईयर ऑफ पासिंग, इसमें आप कब पास हो गए वो यहाँ पे आएगा. इफ इट इज नो, अगर येस करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं आएगा. ओके, कैंडिडेट SSLC और 10th स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका 10th का नंबर एज पर मार्क्स कार्ड आपको यहाँ पे नोट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम सेंटर के बारे में आएगा. एग्जाम सेंटर यू विश टू अपियर, आप एग्जाम कहाँ पे लिखना चाह रहे हो उसके बारे में है. सो नीट के बाद ये CET का एग्ज़ाम होगा, सो प्रेफर करेंगे कि बच्चे जो है ना आपके होम टाउन में एग्ज़ाम लिखने के लिए. सो टेक यूर अकॉर्डिंगली, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस देना है इसमें, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम आएगा, पूरे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, देन सेकेंड डिस्ट्रिक्ट. सेकेंड के लिए सेलेक्ट द प्लेस टू अपीयर फॉर CET सेकेंड प्रायोरिटी, इफ़ फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट अवेलेबल देन सेकेंड प्रायोरिटी विल बी असाइंड.
नॉर्मली 90% चांस रहेगा कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्लीट हो, देन एक 5% 10% चांसेस रहेंगे कि आपके सेकेंड प्रायोरिटी भी यहाँ पे आए. ओके, आर यू एलिजिबल टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर एग्रीकल्चर कोटा? एग्रीकल्चर कोटा में आप क्लेम करना चाह रहे, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो यस आएगा, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो. नाउ आफ्टर दिस वन सेव करेंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे. ओके, द नेक्स्ट पेज करेंगे तो रिजर्वेशन के लिए आएगा ये. सो रिजर्वेशन के लिए रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सिख ये सभी आएगा यहाँ पे. ओके, टेक एज योर रिजर्वेशन नेम ऑफ द कास्ट, ये कास्ट जो है ना एज मेंशन इन कास्ट और कास्ट इनकम, ये प्रॉपरली आपको देखना है आपका. ओके, तो अकॉर्डिंगली इसको फिल करना है. एनुअल इनकम ऑफ फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेस इन रुपीज, आप 8 लाख तक अगर किसी पेरेंट्स का इनकम फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर अगर 8 लाख तक है तो यू कैन अवेल यूर रिजर्वेशन. ओके, सो जो भी आप इनकम कास्ट बनाएंगे एग्जैक्टली सेम फिगर डालना है. जैसे आप फॉर्म डालना स्टार्ट करेंगे, आपके पास हो सकता है कि इनकम कास्ट नहीं होगा आपका अभी बनाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सब ऑफिस बंद था तो अभी बच्चे शायद बनाए नहीं. सो आप अप्लाई करके देन फिल दिस फॉर्म, इसको फॉर्म को फिल करना है ये अमाउंट डालने के लिए. ओके, सेलेक्ट यूअर एलिजिबिलिटी रिजर्वेशन कैटेगरी एज मेंशन इन कास्ट कैटेगरी. ओके, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कर्नाटक में 2A, 2B, 3A, 3B GM आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे. देन यूअर कास्ट सर्टिफिकेट का RD नंबर जो आपको तहसील ऑफिस से आएगा, तहसील ऑफिस से आएगा तो वो नंबर यहाँ पे इंटर करना है. दिस इज़ फॉर ईयर कास्ट सर्टिफिकेट. ओके, इनकम सर्टिफिकेट कास्ट इनकम नॉर्मली SC ST के लिए 2A के लिए सेम रहेगा, तो कुछ के लिए अलग अलग रहता तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आएंगे. मदर टंग एज पर स्कूल और कॉलेज एडमिशन रिकॉर्ड. ओके, तो आपके TC में 10th के TC में आपका मदर टंग रहेगा, अकॉर्डिंगली दैट आप मदर टंग यहाँ पे मेंशन करना है. ओके, नेक्स्ट वन इज आर यू एलिजिबल टू क्लेम कल्याण कर्नाटक का रिजर्वेशन 371 HK रीजन वालों के लिए है ये. कल्याण कर्नाटक का रिजर्वेशन 371 के लिए अलग से सर्टिफिकेट बनेगा, यस करेंगे उसके लिए अप्लाई करना है. देन अगेन RD नंबर आएगा फ्रॉम DC ऑफिस, ये आपको अप्लाई करने के बाद नंबर आएगा तो ये नंबर आपको मेंशन करना है. आर यू स्टडीड इन रूरल एरियाज ऑफ कर्नाटका फ्रॉम 1st to 10th? दिस इज केयरफुल. हाँ, कुछ लोग जो है ऑलरेडी कुछ पार्शली रूरल कर्नाटक में पढ़ते, देन पार्शल जो है ना अर्बन में पढ़ते, तो यहाँ पे कंप्लीटली 1 to 10th आप रूरल में हैं देन ओनली पुट यस, अदरवाइज नो. से फॉर एग्जाम्पल 7 years रूरल में है, 8, 9, 10th अर्बन में है तो ये नो आएगा, इट इज़ नॉट यस. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हैव स्टडीड इन कर्णा मीडियम फ्रॉम 1st to 10th स्टैंडर्ड फॉर 10 full अकेडमिक ईयर्स. अगेन दिस वन, इसमें होगा ये कि कुछ लोग जो है ना 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक कर्णा मीडियम पढ़ते, 8 से इंग्लिश मीडियम में आ जाते तो उसके लिए भी नो आएगा. ओके, जो 1 to 10 कर्णा मीडियम पढ़ा तो कर्णा मीडियम के लिए यस रहेगा, कर्णा मीडियम के लिए अलग से रिजर्वेशन है, सो बी केयरफुल. ओके, आर यू सन और डॉटर ऑफ J&K माइग्रेंट्स? ओके, यस है तो यस, अदरवाइज नो. नाउ अप्लीकेबल ओनली फॉर मेडिकल एंड डेंटल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें कॉमन है एंड दिस वन इज़ फॉर ओनली मेडिकल एंड डेंटल. ओके, जो नीट है रहेगा उन लोगों के लिए है. आर यू क्लेमिंग रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा? ओके, रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा अलग से रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनेगा तहसील ऑफिस से, इसको अगर यस करेंगे तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नो करेंगे तो ठीक है. तो ये जब भी नॉर्मली जब बच्चे स्टूडेंट्स भरते इसको यस करते, अगेन यस करके आफ्टर एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के टेंशन में रहेंगे, एग्जाम में रहेंगे, देन इसके लिए स्ट्रगल करते. ओके, तो फॉर्म डालने से पहले आप जब इनकम कास्ट बनाएंगे उसी टाइम पे वहाँ पे अगर इंक्वायरी करेंगे आप रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा के लिए, वो आपको गाइड करेगा, देन उसको आप लेके यस करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक के लिए कर्नाटक में लिंग्विस्टिक के कुछ कॉलेजेस हैं जो कुछ फीस के साथ में आएंगे, अगर यस करेंगे तो वो कॉलेज से एलिजिबल हैं, आप नो करेंगे तो नहीं होगा. ओके, लिंग्विस्टिक के लिए कुछ कॉलेजेस हैं तो वो कॉलेजेस के लिए आपको काम आएगा. आर यू अक्लेमिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा? ओनली दोज हु हैव स्टडीड 10 full अकेडमिक ईयर्स इन कर्नाटका बिटवीन 1st to 12th. ओके, 10 years अगर यहाँ पढ़े हुए हैं उन लोगों के लिए है ये. सो कोई NRI हैं 10th तक बाहर पढ़े हुए हैं आके वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं होगा. ओके, और ये वार्ड ऑफ NRI, ये इनिशियल स्टेज ही पूछ रहा इंडियन या NRI, तो वहीं पे आपको आ जाएगा. अगर वहाँ पे आप इंडियन करे हुए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो करेंगे, इफ़ इट इज़ देयर NRI तो यहाँ भी NRI करना पड़ेगा. ओके, देन अगेन आफ्टर ऑल दिस थिंग्स
सेव एंड मूव टू नेक्स्ट पेज, सेव करेंगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ओके, आफ्टर दिस आपको अपना फोटोज अपलोड करना है। ओके, फोटोज अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके अपलोड करेंगे फोटो सिग्नेचर एंड थंब। ओके, तीन चीज़ें होगा ये। सो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, इसको केयरफुली फॉलो करना है। स्कैन द इमेज ऑफ फोटोग्राफ, फुल सिग्नेचर शुड बी इन JPEG फॉर्मेट ओनली, ये केयरफुल रहना है। एंड देन दे हैव गिवन डायमेंशंस आल्सो, साइज ऑफ फोटोग्राफ इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 5KB एंड लेस देन 40KB। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको लेस देन 5KB कर देते या मोर देन 40KB करते, तो इसको आप थोड़ा सा केयरफुली मेंशन करिए। एंड देन डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर इमेज शुड बी 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। एक छोटा सा पासपोर्ट साइज जितना फोटो आएगा वो उतने ही स्टाइल में उसको लिख के वहाँ पे स्कैन करना है। ये आपके टीचर्स या साइबर कैफे वाला आपको ये हेल्प कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, साइज ऑफ फुल सिग्नेचर इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 2KB एंड लेस देन 40KB एंड डायमेंशन ऑफ फुल सिग्नेचर इमेज शुड बी 3.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट वन थंब के लिए, साइज ऑफ थंब इम्प्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 2KB एंड लेस देन 40KB। ऑलमोस्ट साइज थंब के लिए और साइन के लिए सेम है, ओनली फोटो के लिए चेंज है। फोटो में मिनिमम 5KB टू मिनिमम 5KB है, मैक्सिमम 40KB है। यहाँ पे मिनिमम 2KB है, मैक्सिमम 40KB है। एंड साइज इज अगेन फॉर फोटो एंड फॉर दिस साइन इज सेम, बट फॉर थंब इट इज डिफरेंट, 3.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, आफ्टर अपलोडिंग सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज। आफ्टर फोटो अपलोड डिक्लेरेशन आएगा यहाँ पे। ओके, डिक्लेरेशन क्लियरली पढ़ना है, वी हैव डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड थ्रू ऑनलाइन इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड अवर नॉलेज एंड बिलीफ। ओके, वी हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली होस्टेड ऑन KEA वेबसाइट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन केस एनी ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड ऑनलाइन बाय अस इज फाउंड टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, वी शैल फॉरफिट द claim to be considered for seat selected and allotted by KEA. We are also liable for action that the state government or KEA may be taken against us in this regard. Okay, ये past में ऐसा हुआ है, बच्चे इसको ignore करते हैं, इसको ignore करने के बाद seat मिल जाता, seat मिलने के बाद again seat cancel हो जाता because of mismatch of information. Okay, तो carefully इसको आप लोग थोड़ा सा upload करना है। Okay, यहाँ पे आपका पेरेंट्स का आपका साइन और ये आपके पेरेंट्स का गाइडेंस का साइन आ जाएगा जो आप प्रीवियस पेज पे अपलोड करे हुए हैं। आफ्टर दिस पेमेंट पेज आएगा, पेमेंट पेज पेज के लिए नाउ क्लिक हियर, यहाँ पे बिल डेस्क है, इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको पेमेंट पेज पे लेके जाएगा ये। देर यू हैव टू पे विथ यूअर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके, या ATM क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जैसे भी है इसको पे करेंगे। आफ्टर दैट फाइनली यू विल गेट प्रिंट एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट के लिए ये क्लिक करेंगे आप तो ये कंप्लीट, अभी तो ये वर्क नहीं कर रहा बट ये कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देन इसको आप लेके प्रिंट फॉर्म लेंगे, लेके इसको बड़ा संभाल के रखना है। ओके, नाउ दिस इज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे भरें। अगेन बिफोर गोइंग फॉर फॉर्म, फॉर्म फिल करने से पहले आप ये जो होम पेज पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको डाउनलोड करिए इसको। ओके, डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़िए इसको, बिकॉज ऑफ दिस ईयर कोविड, कोविड की वजह से एवरी ईयर होता ये था कि CET के मार्क्स देन थ्योरी के मार्क्स काउंट होते थे, बट यहाँ पे इस साल ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 100% CET के मार्क्स पे ही आपका रैंक रहेगा। ओके, तो आपको थर्ड पेज पे मिलेगा व्हाट इज़ न्यू दिस ईयर इन व्यू ऑफ द COVID-19 12th standard CBSE examination and 12th PU examination has been cancelled by the respective boards. Hence, as per the direction of government, candidate who have passed 12th PU or 12th standard examination with PCM or with required optional subject as the case may be, will be considered as eligible for admission to engineering, architect, agriculture, veterinary, pharmacy, naturopathy, yoga, and rank will be assigned on the basis of marks obtained PCM or PCB subjects in CET examinations only. However, this application for this academic year, now this information is only for 21-22 only.
ओके, तो पीसीएम पीसीबी एंड डेंटल मेडिकल नीट के बेसिस पे होगा। सिर्फ इसका फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म भरेंगे जो एमबीबीएस करने वाले हैं नीट के लिए हैं तो वो लोग अगर फॉर्म भरेंगे दैट विल बी इनफ। एग्ज़ाम लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, बट क्योंकि आप लोग ऑलरेडी नीट का एग्ज़ाम लिख चुके होते हैं इससे पहले, सीटी से पहले, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि आप सीटी का भी एग्ज़ाम लिखें, बट यू आर फॉर सेटिस्फैक्शन रैंक के लिए, एक खुशी के लिए इसको आप एग्ज़ाम को लिख सकते हैं इसको। बट स्टिल अगेन दिस इज़ फॉर ओनली वेटनरी, क्लियरली मेंशन करा हुआ है, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फार्मेसी, नेचुरोपैथी, योगा, ओके, इन लोगों के लिए ये रहेगा, ओके, दिस कोर्सेस ओनली, दिस कोर्सेस, ठीक है। और स्टिल आई रिकमेंड कि आप लोग एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको पूरे फॉर्म को एक बार पढ़ें। एंड वन मोर थिंग, एट द एंड, यहाँ पे एंड में आपको कौन से फॉर्म लगेंगे, ये फॉर्म का कंप्लीट डिटेल्स है, तो आपको काउंसलिंग के लिए ये फॉर्म्स को आप लोग बिफोर योर काउंसलिंग, आप लोगों को ये फॉर्म्स कंप्लीटली रेडी रखना है। ये डिफेंस के लिए है, देन परफॉर्मर फॉर डिफेंस, अगेन डिफेंस वालों के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट, ओके, इनकम सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्शंस है यहाँ पे कौन से रहेंगे। ये आप टेंथ, अगर टेंथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टेंथ यहाँ के हैं या कर्णा मीडियम के हैं तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म्स हैं, तो ये सभी फॉर्म्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, तो ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको फॉर्म फिल करके रेडी करना है बिफोर योर काउंसलिंग, ओके। देन वन मोर थिंग, अगेन आपको वेबसाइट बार बार इसको विजिट करना है, वेबसाइट को चेक करना है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वेबसाइट पर देगा बोर्ड। सो वेबसाइट को किसी पर भी आप डिपेंड मत रहिए, वेबसाइट आपका बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट को आप फिल आप पढ़ते रहिए डेली के बेसिस पे, 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर देंगे आप तो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ओके। जो यहाँ पे होम पेज है, ये जो एडमिशन दिख रहा ना आपको, अभी राइट नाउ वी हैव ओनली UGCET 2021, ये एवरी डे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा इसके एंट्रीज बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, जैसे प्रीवियस ईयर है, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें मिलेंगे आपको, एवरीथिंग, ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, फॉर CET एग्जाम जो लिखेंगे उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, आप क्लिक करेंगे तो पेपर आ जाएंगे आप लोगों को, ओके, इसको कन्नड़ में इंग्लिश कर दीजिए, इसको इंग्लिश में आ जाएगा। 19, 18, 17, 16, 15 फाइव ईयर्स के पेपर्स है फॉर CET, अगर आप इसे किसको भी क्लिक करेंगे, सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर कैसे आएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग जो CET एग्जाम लिखने वाले हैं उन लोगों के लिए CET का सिलेबस यहाँ पे UGCET 2021 मेंशन करा हुआ है, जो सिलेबस थ्योरी के लिए डिलीट था वो सिलेबस यहाँ पे भी डिलीटेड है, ओके। अगर आप ऐसा क्लिक करेंगे इसको तो आपको PDF स्कैन कॉपी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, देन यू कैन चेक हियर, ओके। ये कंप्लीट सेकेंड ईयर का मैं डाउनलोड करा यहाँ पे, तो आपको ये सेकेंड ईयर का सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस, रिटेन पोर्शन यहाँ पे इसको मिल जाएगा, ओके। सो बिफोर स्टडी या बिफोर एग्जाम्स को जाने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, ताकि आप लोगों के रैंक में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए, रैंक थोड़ा सा ठीक बन जाए आप लोगों का, ओके। नाउ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, तो इसको आप लोग बार बार विजिट करिए, देखते रहिए। यहाँ पे आपको KEA वेबसाइट जो है, KEA, वन मोर टाइम आई एम टाइपिंग हियर, KEA.KAR.NIC.IN, ये टाइप कर देंगे, इंटर करेंगे एड्रेस बार पे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। देन एडमिशन UGCET आपका है तो यहाँ पे आपको ये क्लॉजेस मिलते जाएंगे, कम्प्लीटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा, ओके, ठीक है। चलो इसी के साथ इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे, इसको एंड करेंगे। थैंक यू वन एंड ऑल।